अस्सलाम वालेकुम सी लवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? काफ़ी लेट हो गया, 3 वीक्स लेट हो गई है मेरी वीडियो। लास्ट वीडियो 3 वीक्स पहले आई थी, कुछ सेहत ख़राब थी तो जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना सका। तो अब इंशाल्लाह उसी सिलसिले को जारी रखते हैं। काफ़ी भाइयों ने कमेंट्स किए हुए हैं वीडियोस के ऊपर कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो एक भाई ने बोला कि असील के जो जोड़ा लगाया जाता है, असील पेयरिंग, इसके ऊपर मेरी, मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं कैसे जोड़े लगाता हूँ और क्या चीज़ें जो हैं वो देख के मुर्गा मुर्गी का पेयर लगाता हूँ, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ और उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं जोड़ा कैसे लगाता हूँ, उसको कैसे प्रेफर करता हूँ, कैसे मुर्गे के साथ कैसी मुर्गी लगाई जाए। असील पेयरिंग के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो लगाई हुई है, इस चैनल पर मौजूद है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मेरे एक बहुत ही भाई दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अदनान भाई, उन्होंने बोला था कि असील के जोड़ जो होते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो होनी चाहिए कि असील के जोड़ कैसे होने चाहिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ पिक्चर्स के साथ कि असील जो है उसके जोड़ कैसे होने चाहिए, गर्दन के जोड़ कैसे होने चाहिए। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बता, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू में मैं आपको पहले स्केलेटन दिखा देता हूँ। स्केलेटन के हिसाब से मैं जो जोड़ होते हैं मुर्गे के, गर्दन के, दुम के, नीचे वाले जोड़, ऊपर वाले जोड़, ये सब डिफाइन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो गर्दन के ऊपर बात करते हैं। गर्दन के ऊपर, गर्दन कुछ मुर्गों की छोटी होती है, कुछ मुर्गों की बड़ी होती है। ज़्यादातर लोग छोटी गर्दन प्रेफर करते हैं, लेकिन गर्दन का छोटा होना या बड़ा होना इतना बड़ा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जो इसके ये जोड़ होते हैं इसके अंदर गैप ना हो, यहाँ पे गैप्स ना हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके जोड़ों में गैप है? जब आप मुर्गे को पकड़ेंगे, उसकी गर्दन पे हाथ फेरेंगे, तो अगर आपको यहाँ से इसकी हड्डी चुभती है, गर्दन में ये हड्डियाँ चुभती हैं आपके हाथ, इट मीन्स के इसके जोड़ों में गैप है, जो कि नहीं होना चाहिए। असील की गर्दन के यहाँ पे जोड़ों में गैप नहीं होना चाहिए। और आप जब उसको पकड़ के गर्दन को चेक करते हैं तो उसमें यहाँ से आपको ये हड्डियाँ चुभनी नहीं चाहिए। अब अगर असील बीमार है या वो कमज़ोर है तब भी आपको ये हड्डियाँ चुभ सकती हैं, क्योंकि वो कमज़ोरी में अक्सर यहाँ पे गर्दन कमज़ोर हो जाती है। लेकिन सेहतमंद असील की गर्दन की जो मोहरें हैं, ये हड्डियाँ आपको हाथ में चुभनी नहीं चाहिए। जब भी आप इसको पकड़ के दें, सॉलिड होनी चाहिए। दूसरा, आप गर्दन को जब भी सील की गर्दन को पकड़ के दबाएंगे, यहाँ से पकड़ के आप, या ये गर्दन का एरिया ही हो, आप उसकी गर्दन को पकड़ के हल्का सा दबाएंगे तो मुर्गा जो है वो अपनी गर्दन को खींचेगा और सख्त कर लेगा। तो ये एक बहुत अच्छी गर्दन की क्वालिटी है, उसमें खिंच आती है। तो ये गर्दन के ऊपर हो गया। और दोबारा बोल रहा हूँ, गर्दन की लंबाई जो है वो छोटी बड़ी गर्दन होना इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना बड़ा इशू इसके जोड़ों का होता है। सेकेंडली, अब इसके हम जोड़ों पे आते हैं। ये नीचे वाली हड्डी जो होती है, ये हड्डी जो है, ये क्योंकि ये असील का स्केलेटन नहीं है, तो असील का जो स्केलेटन होता है ये हड्डी बड़ी होती है, यहाँ से बड़ी होती है, ये यहाँ से लेके सीने की हड्डी और ये पीछे जोड़ तक होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, अक्सर मुर्गों के यहाँ पे गैप नहीं होता, बिल्कुल हड्डी जुड़ी हुई होती है इन हड्डियों के साथ और ये हड्डी भी आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये इसको कहते हैं ठुके हुए गर्म जोड़, बिल्कुल हड्डी क्लोज। ऐसे मुर्गों में बर्दाश्त बहुत अच्छी होती है, इनकी हिटिंग पावर बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जो दुम होती है, दुम का जोड़ होता है, वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, इस एरिया यहाँ से दुम स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये सीने की हड्डी बिल्कुल एंड तक आती है, यहाँ से ये दो हड्डियाँ जो होती हैं ये भी क्लोज होती हैं, और यहाँ पे आपकी जो दुम आती है उसका जोड़ यहाँ पे इसके साथ जुड़ा होता है। अब जो दुम का जोड़ होता है, जिसको दुमची भी कहा जाता है, उसको अगर आप हाथ में पकड़ें तो उसका मोटा होना बहुत ज़रूरी है। जितनी मोटी दुमची होगी उतना ही अच्छा असील होगा। सेकेंडली, इसको सीने की कश्ती कहा जाता है, कश्ती वाली हड्डी बोला जाता है, कश्ती की तरह गोल होती है, ये देखें इस तरह कश्ती की तरह गोल होती है। तो आपने इस हड्डी को भी चेक करना होता है कि यहाँ पे ज़्यादा गैप ना हो, बिल्कुल थोड़ा सा
ज़्यादा से ज़्यादा दो उंगली तक का गैप हो सके, इससे ज़्यादा गैप ना हो। आजकल जो खुले किल असील हैं, अच्छा अब मैं ये भी बताता चलूँ कि वो एक दो भाई ने मुझसे पूछा कि बंद गद्दी और खुले किल क्या होता है। असील असील होता है, असील मोहताज नहीं होता कि उसको हम कहें कि ये बंद गद्दी का असील है, खुले किल का असील है। असील का मतलब है बर्दाश्त करना, असालत। तो लेकिन रीजन के हिसाब से जब मुर्गे लड़ाए जाते हैं तो फिर वो उस हिसाब से ब्रीडिंग भी कराई जाती है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। जब आप पंजाब में मुर्गे बंद गद्दी लड़ाए जाते हैं तो बंद गद्दी क्या होता है, जो जब उनको लड़ाया जाता है तो उनके किल जो होते हैं, किल उनको कवर कर दिया जाता है, किल के ऊपर या टेप लगा दी जाती है, कपड़ा बांध दिया जाता है, किल कवर आते हैं वो चढ़ा दिया ताकि वो एक दूसरे को कील ना मार सकें, और उसको बंद गद्दी कहा जाता है। और वो मुर्ग जो होते हैं वो बोनी स्ट्रक्चर के होते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई गई है थ्रू आउट द ईयर्स, बोनी स्ट्रक्चर में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं, गर्दनें उनकी बहुत मज़बूत होती हैं और स्लो होते हैं, थोड़े स्लो फाइटर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो शौक किया गया पहले उसमें स्लो फाइटर्स का शौक किया गया, असील की असालत चेक करने के लिए ऐसा शौक किया गया जिसमें असील एक शॉट मारता है फिर उसके बाद अगला मुर्गा उसको मारता है, दोनों एक दूसरे की असालत चेक करते हैं। तो ये जो फाइट्स होती थी बंद गद्दी, ये मुर्ग की असालत चेक होती थी उसमें। तो जिसकी वजह से अब जो इम्पोर्टेड मुर्गे आए हैं, थाई मुर्गे आए हैं, वो पाकिस्तानी मुर्गों जितनी बर्दाश्त नहीं रखते, लेकिन वो इंटेलिजेंट फाइटर्स हैं। इंटेलिजेंट फाइटर्स इसलिए हैं कि वो असालत में कम होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो मारने के शेर होते हैं, उनको बस इस तरह बनाया गया है कि वो बस मारें और अगले मुर्गे को मारने का मौका ना दिया जाए। लेकिन हमारे पंजाब में और जिस तरह की ब्रीडिंग कराई गई और जिस तरह के मुर्गे सेलेक्ट किए गए, तो यहाँ पे शौक किया जाता है असालत का, बर्दाश्त का। बंद गद्दी में बर्दाश्त चेक की जाती है मुर्गे की, तो उसमें फिर ऐसे मुर्गे बनाए गए जो एक मारते थे और फिर एक अगला मुर्गा मारता था, दोनों एक दूसरे का रिमांड लेते थे और फिर दोनों में से जिसकी बर्दाश्त ज़्यादा होती थी वो विक्टोरियस होता था, वो जीत जाता था। तो इस वजह से अब जो थाई आए हैं, लोगों ने अब थाई क्रॉस कराए हैं, थाई क्रॉस करके गेम चेंज की है। बहरहाल ये भी लंबा टॉपिक है, हम किसी और टॉपिक की तरफ निकल जाएंगे। मैं अभी ये हड्डी के ऊपर, जोड़ों के ऊपर बात कर रहा था, ये मैंने आपको जोड़ बता दिए हैं, सिंपल हैं, बहुत लोगों को पता है। गर्दन का लंबा छोटा होना कोई मकसद नहीं है इसके, जोड़ ये चुभने नहीं चाहिए। गर्दन को पकड़ के जब आप दबाएंगे मुर्गे की तो वो गर्दन को खींचना चाहिए, उसमें खिंच आनी चाहिए, मुर्गा अपनी गर्दन को खींचेगा। जोड़ जुड़े होने चाहिए इधर से सीने के हड्डी और ये पीछे वाले जोड़ में थोड़ा सा गैप, एक दो उंगली से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो दुमची होती है, जो दुम का जोड़ होता है, वो भी जुड़ा हुआ होना चाहिए और ये मोटा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ये हो गया, जोड़ की बात हो गई। अच्छा, अब मेरे भाई ने एक सवाल किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी आप ब्रीडिंग, आप सेलेक्टिव कैसे सेलेक्ट करते हैं बट ब्रीडर को, और उसके बाद जोड़ा कैसे लगाते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। असील, मैं सबसे पहले, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस ये है कि मैं असील को उसकी आँख से सबसे पहले परखता हूँ, क्योंकि असील की आँख जो है उसमें गैरत होनी, उसमें असील असालत के पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब असील की आँख, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, दोबारा बता देता हूँ, ये असील की आँखें हैं। ये भी देखें, ये भी असील की आँख है, ये भी असील की आँख है। और असील की आँख में मैंने आपको बताया था, जिस तरह पहले बताया था कि ये काला आना होता है, इसके बाद ये ब्लू रिंग आती है, ब्लू रिंग के बाद ये वाइट रिंग आता है, इसके बाद ये रेड डोरे आते हैं, और अगर इसके पीछे अगर प्योर मुश्का ब्लड हुआ तो यहाँ पे ये ब्लैक होगा सर्कल, अगर इस मुर्ग के पीछे, क्योंकि इसमें पीछे मुश्का कलर, प्योर मुश्का नहीं है, इसलिए यहाँ से ब्लैक नहीं है। तो ये आंखें असील की आंख होती है, चमक होती है असील की आंख में। ये देखें कैसे शाइन कर रही है आंख। ये दूसरा मुर्गा है, इसका भी ब्लैक आना, और ये इसके ब्लू सर्कल है, बहुत कम डोरे हैं इसकी आंख में। और ये देखें, ये ब्लैक सर्कल आ रहा है जो शो कर रहा है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ब्लैक मुश्का रंग है ज़रूर। असील की आँख ओवल शेप होती है, एग शेप। ये देखें यहाँ से शेप कितनी प्यारी आँख की बनी हुई है। तो चमक होनी ज़रूरी है असील की आँख में, ये कलर्स होने ज़रूरी हैं असील की आँख में। ये असील की आँख देख के ही पता चलता है कि गैरतमंद असील है कि नहीं। तो ऐसी आँखों वाले ही असील, मैं सबसे पहले आँख देखता हूँ मुर्गे की जब भी सिलेक्शन की जाती है मुर्गे की, कि मैं ये मुर्गा ब्रीडिंग में डालना चाहता हूँ। तो आँख में दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा डोरे नहीं पसंद करता बचेल की आँख में, जैसे ये डोरे आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ मुर्गों के डोरे इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे मैं आपको एक और पिक्चर दिखा देता हूँ, ये
ये आँख आ गई, ये देखें कितने ज़्यादा डोरे हैं, बहुत थोड़े थोड़े स्पेस में बहुत बहुत ज़्यादा। ये मैं पर्सनली बचेल के अंदर, ये आँख नहीं, फाइटर के अंदर तो अच्छी आँख है, बचेल के अंदर मैं ये इतने ज़्यादा थिक डोरों वाली आँख नहीं पसंद करता। मैं ज़्यादातर कम डोरों वाली आँख जिसमें ये गैप ज़्यादा हो, थोड़े थोड़े डोरे हों, ये पसंद करता हूँ। आपने जब मुर्गा मुर्गी लगाने हैं, जोड़ा लगाना है, तो आँख कैसी लगानी है? अगर तो आप आँख मुर्ग बचेल यूज़ कर रहे हैं जिसकी आँख में डोरे हैं, तो मादी ऐसी यूज़ करें जिसकी आँख में डोरे ना हों, जिस तरह के ये देखें मादी, क्लियर आँख। तो दोनों डोरों वाली आँखें मैं यूज़ नहीं करता ब्रीडिंग में। अगर मुर्ग की आँख डोरे वाली है तो मादी की आँख क्लियर होगी, अगर मादी की आँख डोरे वाली है तो मुर्ग की आँख क्लियर होगी। ये तीसरी आँख भी देख रहे हैं, ये एक और मेरा मुर्गा है, उसी तरह ब्लैक सर्कल, उसके बाद ब्लू वाइट, और उसके बाद ये हल्के हल्के डोरे, आइडियल। और ये देखिए इसके बाद ब्लैक लाइन है, ये मुश्किल रंग शो कर रही है जो पीछे इसके ब्लड में है। तो फेस आँख जो है वो मैंने आपको बता दी है कि डोरे वाली आँख और सिंपल आँख जो है वो उसका क्रॉस हमेशा करवाया करें। दोनों बचेलों की आँखें आप डोरी वाली ना लें। फिर उसके बाद मैं मुर्ग की नोक देखता हूँ, नोक मज़बूत होनी चाहिए, ये जॉज डीप होने चाहिए, ये आँख के लेवल तक जॉज पीछे इतना डीप होना चाहिए। ये देखें इसमें भी आँख के लेवल तक पीछे तक जबड़ा इतना डीप है इसका, और प्लस यहाँ पर झरी होनी चाहिए। ये झरी आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ये झरी होती है आँख नोक के अंदर। ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि नोक बड़ी मज़बूत है मुर्गे की। नाक खुला होना चाहिए, बिल्कुल बंद नाक के मुर्गे मैं नहीं पसंद करता, जिस तरह नॉस्ट्रल्स होते हैं नाक होता है खुला होना चाहिए ताकि सांस लेने में आसानी हो। ताज जो है वो हर किसी की अपनी पसंद है, मुझे ऐसे ताज पसंद हैं, ये खूबसूरती बढ़ाते हैं, क्योंकि असील के तीन पॉइंट्स हैं, खूबसूरती, फाइट, असालत। तो खूबसूरती भी होना ज़रूरी है। तो पर्सनली मुझे ऐसे ताज खिल ताजे जो हैं मुर्गे बहुत पसंद है, मैं यही आगे ब्रीडिंग में भी यूज़ करता हूँ। अब आगे मजबूती की बात, तो असील जो बचेल आप यूज़ करेंगे उसमें मजबूती होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो मुर्ग होता है वो आगे बॉडी स्ट्रक्चर जो है आगे ब्रीडिंग में आगे बच्चों में डालता है। और अच्छा बचेल वही होता है कि जो अपने जिसामत और अपने जिससे और बर्दाश्त उसको आगे अपनी ब्रीड के अंदर ट्रांसफ़र करें। तो आपने जो मुर्ग यूज़ करना है आँख के बारे में बता दिया, नोक बता दी, ताज नॉस्ट्रल बता दी, उसके बाद मजबूती बहुत अच्छी होनी चाहिए, हड्डी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सीने की हड्डी और जोड़ बहुत अच्छे ठुके हुए जोड़ों में होना चाहिए। और ये देखें जिस तरह ये मैंने हड्डी बताई थी, ठुके हुए जोड़ों में आपने मुर्ग यूज़ करना है। मुर्ग बचेल 100% एक्यूरेट यूज़ करें, क्योंकि मुर्ग अच्छा होगा तो एक साल की मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होगी, वरना आप 19-20 मुर्ग ले लेंगे जिस पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो आगे फिर आपको ब्रीडिंग में मसला करेगा और आपका टाइम ज़ाया करेगा। सेकंड, क्रॉस ब्रीडिंग में जब भी कराता हूँ मैं मुर्गा मुर्गी को हमेशा क्रॉस में लगाता हूँ। क्रॉस में कैसे लगाता हूँ? उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी क्रॉस होते हैं। ये देखें जी, खड़ी तख्ती का मुर्ग है, मैं हमेशा खड़ी तख्ती की मुर्ग के साथ लाम वाली मुर्गी लगाऊँगा, जिस मुर्गी में लाम होगी। ये बॉडी लाइन देखिए आपने कितनी ज़्यादा, ये खड़ी तख्ती की मुर्गी नहीं है लेकिन खड़ी तख्ती, इन दोनों का क्रॉस जब भी होता है तो मुर्ग आगे फाइटर बहुत अच्छे आते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे आते हैं उनमें। और अगर मैं मुर्गी खड़ी तख्ती की यूज़ करूँगा, जैसे ये खड़ी तख्ती की मुर्गी है, तो इसके साथ और ये देसी मुर्गी भी देखें, दोनों खड़ी तख्ती की मुर्गी हैं, बहुत अच्छी खुले खिल की मालूम, इनके साथ जो मैं मुर्गे लगाऊँगा वो लाम में होंगे। अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, मैं चलें वो आपको पता ही है लाम वाले मुर्ग कैसे होते हैं, खड़ी तख्ती के नहीं होते, मैं लेंथ ज़्यादा होती है। तो हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग में ये मैं जोड़े लगाता हूँ ताकि आगे बॉडी स्ट्रक्चर मज़ीद अच्छा आए, दोनों के पॉइंट्स आगे हैं। मुर्गी वो होनी चाहिए ब्रीडिंग में, मुर्गों की पहचान के ऊपर तो मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं। अब एक भाई ने कॉमेंट किया कि मुर्गी की पहचान क्या होनी चाहिए, मुर्गी कैसी होनी चाहिए, हैन कैसी होनी चाहिए। हैन सबसे पहले जी कैसी होनी चाहिए, हैन वो होनी चाहिए जिसका बाप अच्छा है। मुर्गी अच्छी वही होगी जिसका पीछे बाप अच्छा है, इसलिए जब भी कोई मुर्गी ब्रीडिंग में डालें तो उसके बाप की हिस्ट्री का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुर्गी के अंदर बाप की खसूसियात होती हैं और मुर्गी आगे फाइटिंग लड़ डालती है, ये 100% बात है। और अगर बाप उसका अच्छा होगा तो वो आगे अच्छी लड़ डालेगी। तो ये मुर्गी देख लें, ये मुर्गी की अब इसमें पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाती है कि आपने मुर्गी खुले किल की यूज़ करनी, बंद किल की यूज़ करनी, आप शोक कैसा करना चाह रहे हैं, मुर्गे कैसे बनाने चाह रहे हैं,
ओपन स्पर बर्ड्स लड़ाई के लिए बना रहे हैं या आप सिर्फ शौक के लिए बनाना चाह रहे हैं, किसी नस्ल को आप रखना चाह रहे हैं, उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने मादी सेलेक्ट करनी है, मुर्ख सेलेक्ट करना है। ये मादी है, अगर आपने ये पीलों में से है, अगर आपने इसका ही ब्लड आगे चलाना है तो इसी ब्लड छोटे चेहरे का मुर्गा लें आप गोल आँख में और पीला लें, तो ये उस मादी को सपोर्ट करेगा और ये दोनों अपना ब्लड चलाएंगे, तो आगे आपके पास जो पीले आएंगे वो माँ बाप दोनों की कॉपीज़ होंगे, आगे आपके पास एक ब्लड एक स्ट्रेन बन जाएगा। अगर आपने क्रॉस में करना है, आपने लड़ाना है, तो इस मुर्गी के साथ मैं थोड़े लंबे चेहरे का मुर्गा लगाऊंगा और लाम में लगाऊंगा, तो थोड़ी सी जिसकी हड्डी ज़्यादा होगी तो वो फिर इसके साथ लड़ाई के हिसाब से बहुत अच्छी ब्रीड बना के दे देगा। बाकी मादी के भी वही पॉइंट्स होते हैं जो मुर्ग के होते हैं, आँख नोक नली जो मैं मुर्गों के बता चुका हूँ, उसी तरह मादी की होती हैं। फैदर क्वालिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, परों के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बना के दी थी आपको, उसमें परों के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि पर कैसे होने चाहिए। तो ये जोड़ा मैं जैसे लगा तो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया, जोड़ों के ऊपर मुर्ग के जोड़ कैसे होने चाहिए वो भी आप बता दिए, आँख कैसी, आँख के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मुर्गी की आँख हो मुर्गे की आँख हो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आँख जो है वो नस्लों का पता देती है। तो अक्सर वो शेयर फेसबुक पे होता है ना कि आदतें जो हैं वो नस्लों का पता देती हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी असीलों में जो आँख होती है ना वो उसकी नस्लों का पता देती है कि ये आँख गैरत वाली आँख है, ये बच्चा लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, इसके पीछे कैसा ब्लड है। आँख से मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आँख से आप कैसे बता सकते हैं इसके पीछे ब्लड कौन सा है, मुश्किल ब्लड की मैंने पहचान आपको बता दी थी, आँखों में पीला ब्लड भी पता चल सकता है, आँख बता देती है कि ये पीछे सावा पर है इस मुर्गे के, मुर्गी के जो भी है। तो इंशाल्लाह फर्दर भी वीडियोस बनाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है और कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, आप सबको रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारक हो, तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करता हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि जोड़ों और फर्दर आप किस टॉपिक के ऊपर मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के दूँ। चूज़ों की ग्रोथ के ऊपर भी मैंने वीडियो लगाई, हाँ एक मैं छोटा सा क्लिप इस वीडियो के एंड पर लगाता हूँ या चले नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा, वो चूज़ों की ग्रोथ के ऊपर भी लगाऊंगा कि मैं एक वीडियो मैंने पूरी बना के दी लेकिन अब आ गई गर्मी, तो गर्मी में लोग कहते हैं कि जी चूज़ों की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, उनको क्या देना चाहिए, फीड देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, फीड दें तो किस तरह दें, इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्लिप मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में अपलोड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को शेख बिलाल को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकें, अल्लाह हाफिज़।